आज इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम किसी भी आपदा को या किसी दुर्घटना के समय हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके और उसमें मान लीजिए कोई घायल है उनको तुरंत उपचार मिल सके, और अगर किसी वजह से किसी की मौत भी हो जाती है तो उसको हम तुरंत हॉस्पिटल या उनके परिवारजनों उनको दे सकें। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन मॉकड्रिल करी जा रही है, ये मिनिस्ट्री MHA की तरफ से एक गाइडलाइन है कि हर एजेंसी किसी भी आपदा से या किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे। और ये जो ऑपरेशन मॉक ड्रिल का या मॉक एक्सरसाइज का चलाया जा रहा है, यह मेन इसका उद्देश्य ये भी है कि जो हमारी शासन में कई तरह की एजेंसीज हैं काम करने के लिए, उनके बीच में आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे किसी कार्य को करते वक्त। तो इसलिए जितनी भी एजेंसीज हैं, जैसे कि NDRF है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका सिविल डिफेंस है, सेंट जॉन एम्बुलेंस है, रेलवे के, हम लोग पूरी आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी भी आपदा को निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा कर सकें। ये जो मॉक एक्सरसाइज रेलवे के साथ NDRF और अदर एजेंसीज के साथ की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जब रियल टाइम सिनेरियो में कैसे सभी सिस्टर एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए कम से कम समय में रेस्क्यू करके जो अंदर पैसेंजर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल कर टाइमली उनको जो मेडिकल फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है या उनको जो भी रिक्वायरमेंट है वो दे सके, इसीलिए ये मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को करने का एक ये भी उद्देश्य है कि जो हमारी SOPs बनी हुई हैं उनको रिव्यू किया जाए, उसमें क्या कमियाँ हैं या उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, उस चीज़ को सुधार करने के लिए ये मॉक एक्सरसाइज मेनली करवाई जा रही है। इसमें से क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या किया गया? इसमें जो एक सिनेरियो बनाया गया है, इसमें फायर का इंसिडेंट क्रिएट किया गया है, साथ ही साथ इसमें डीरेलमेंट की गई है, और इस प्रकार से इसको क्रिएट किया गया है कि जो कोच है उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, खिड़कियाँ सारी बंद हैं। अब कैसे जो रेस्क्यू टीम है इसमें एंट्रेंस बनाती है और कैसे अंदर जो विक्टिम फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाता है, वो इसमें मेनली रखा गया है और फोकस किया गया है कि इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए।
घटनास्थल पे लगे सुरक्षा कर्मी भीड़ को नियंत्रित कीजिए, घटनास्थल पे न आने पाए। मेडिकल वैन आ चुकी है, रास्ता नियंत्रित रखिए उनको। मेडिकल वैन आ चुकी है, राहत कर्मचारियों को रास्ता दीजिए। नहीं खुला।